नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया भी उतरा। ऑस्ट्रेलियाई लड़ाकू जेट विमानों ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ पहला हवाई हमला किया और एक बख्तरबंद निजी वाहन को नष्ट कर दिया। रक्षा मंत्री केविन एंड्रयूज ने कहा कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स हॉर्नेट के लड़ाकू विमान ने दो दिन पहले आईएस के एक बख्तरबंद वाहन को नष्ट कर दिया था, जिसमें एक सटीक निर्देशित मिसाइल लगी थी। अमेरिका, कनाडा, तुर्की और खाड़ी देश सीरिया में आईएस उग्रवादियों के खिलाफ हवाई हमले में पहले से ही शामिल हैं। पेटलावद विस्फोट की जांच के लिए आयोग गठित। मध्यप्रदेश सरकार ने पेटलावद विस्फोट कांड की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। प्रदेश सरकार की मंगलवार को यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर्येंद्र कुमार सक्सेना को जांच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग 3 माह में जांच कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। दूसरी ओर, पुलिस द्वारा जिले के पेटलावद थाने में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा और कार्यालय सचिव संजय श्रीवास्तव के खिलाफ पेटलावद विस्फोट के मुख्य आरोपी राजेंद्र कासबा को आरएसएस का सदस्य बताने और हादसे में इस हिंदू संगठन का नाम खींचने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। आरएसएस के मध्य क्षेत्र प्रचार प्रमुख नरेंद्र जैन के मुताबिक कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा दुर्भावनावश दी गई इस भ्रामक जानकारी के आधार पर कुछ समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने उक्त गणवेशधारी स्वयंसेवक को राजेंद्र कासबा सिद्ध करने वाले समाचार जारी किए, जबकि यह चित्र फरीदकोट के पथ संचलन का है। पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। पाकिस्तानी सैनिकों ने बुधवार को पुंछ जिले के 2 सेक्टरों में नियंत्रण रेखा पर भारत की अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी कर 2 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की। एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने सुबह करीब 7 बजे कृष्णा घाटी में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों पर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार दागे। मन की बात पर पूर्ण रोक लगाना संभव नहीं, चुनाव आयोग ने कहा। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात पर रोक लगाने की मांग करने के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने का निर्णय किया है। उसका आरोप है कि यह बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता का उल्लंघन करता है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस पर पूर्णतः रोक नहीं लगाई जा सकती। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webduniya.com। नमस्कार।